चाइना की तरफ रुख करते हैं, ट्रेडर को बढ़ावा मिल रहा है, ट्रेडिंग जास्ता हो रही है, इंडस्ट्रीज मार खा रही है, क्योंकि जो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, हालांकि इंडिया के मुकाबले में चाइना के कोई भी आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो या और कोई भी आइटम किसी तरह के भी कुछ भी अगर आप लाते हो, वो इंडिया के मुकाबले में मैं तो कहूंगा कि वो 90% इंडिया का जो बना हुआ माल है सस्ते जरूर है लेकिन टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ नहीं है, तो वो चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसको इंडस्ट्रीज को कैसा इम्प्रूवमेंट करे और जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा कारोबार इंडिया में कैसे चले, वो सोच होनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, जब मैं मीरा वाइंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में काम कर रहा था, उस वक्त देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसने टाटा ने भी आज के 50 साल पहले ये मुद्दा उठाया था कि शहर से जो ऑक्ट्रॉय है वो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज देश की स्थिति है कि हर स्टेट से ऑक्ट्रॉय का मुद्दा निकल गया, खाली महाराष्ट्र में था। तो हमारी ये जो मीरा वाइंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, हमने ये मुद्दा पहला शहर में उठाया कि जब पूरे राज्यों से हिंदुस्तान के सभी राज्यों में से ऑक्ट्रॉय नाम की चीज निकल चुकी है और महाराष्ट्र में सिर्फ 22 से 23 महापालिका इसको भुगत रही है, तो ये सिस्टम क्यों नहीं हटाया जाए। आप अगर वर्ल्ड की तरफ ध्यान दे तो वर्ल्ड में भी कहीं पे नहीं है, वर्ल्ड में खाली इथियोपिया को छोड़ के वर्ल्ड में कहीं पे नहीं था। तो हमने इस चीज विलासराव देशमुख के टाइम से हमने लड़ाई शुरू की और आज इंडस्ट्रीज है, क्योंकि एक शहर में महापालिका के अगर दूसरे छोर पे 5 किलोमीटर में ग्राम पंचायत है और वही पार्ट्स वहाँ बनता है और वही पार्ट्स यहाँ मीरा वाइंडर शहर में बनता है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि 3-5% हमको ऑक्ट्रॉय देनी पड़ती थी। तो वो लड़ाई लड़के हमने यहाँ शहर से ऑक्ट्रॉय निकाला और उसके बियाब में हमने वो एक टैक्स हमारे ऊपर लगवा के दिया। ऐसा नहीं कि ऑक्ट्रॉय के बियाब में जब शहर का विकास करना है, हर एक व्यापारी शहर के विकास के लिए कभी ना नहीं बोलता, कोई टैक्स भरने के लिए ना नहीं बोलता, इतने टैक्सेज है जो व्यापारी साइन कर रहा है और उसके लिए काम भी